वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल। माना कि ओ वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या आर है। वृत्त के अंतर्गत एन भुजा वाला समबहुभुज बनाइए। इस समबहुभुज के शीर्षों को केंद्र से मिलाकर त्रिभुजों की रचना कीजिए। ऐसे एक त्रिभुज ओ पी क्यू का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पी क्यू गुणित ओ एल बराबर 1/2 भुजा गुणित केंद्र से भुजा पर डाला गया लंब। चूंकि केंद्र ओ से प्रत्येक भुजा पर डाला गया लंब बराबर है, अतः प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान होगा। इसलिए एन त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर एन गुणित 1/2 भुजा गुणित केंद्र से भुजा पर डाला गया लंब। यदि भुजाओं की संख्या अनंत कर दी जाए तो बहुभुज का परिमाप वृत्त की परिधि के बराबर होगा तथा बहुभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस स्थिति में केंद्र से भुजा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होगा। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित परिधि गुणित त्रिज्या बराबर 1/2 गुणित 2πr गुणित r बराबर पाई आर का वर्ग। वृत्त का त्रिज्याखंड सेक्टर ऑफ सर्कल। किसी वृत्त का त्रिज्याखंड वह क्षेत्र है जो दो त्रिज्याओं तथा दोनों के अंतरस्थ चाप या परिधि का टुकड़ा द्वारा घिरा होता है। चित्र में एक वृत्त है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या आर है। इस वृत्त की परिधि पर तीन बिंदु A, B व C हैं। A और B को वृत्त के केंद्र O से मिलाने पर त्रिज्याओं OA और OB के द्वारा वृत्त दो क्षेत्रों OAB और OBCA में विभक्त हो जाता है। इन क्षेत्रों को त्रिज्याखंड कहते हैं। इन दोनों त्रिज्याखंडों की परिसीमाएं वृत्त का चाप होती हैं। यहाँ त्रिज्याखंड OAB की परिसीमा चाप AB तथा त्रिज्याखंड OBCA की परिसीमा चाप BCA है। माना चाप AB केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है, तब ज्यामिति से चाप की लंबाई उसके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के समानुपाती होती है। चाप की लंबाई बटे वृत्त की परिधि बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बटे वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। चाप की लंबाई बटे वृत्त की परिधि बराबर थीटा बटे 360 अंश। चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणित वृत्त की परिधि। त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणित 2πr। इसी प्रकार त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल त्रिज्याओं के मध्य अंतरस्थ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के समानुपाती होता है। इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बटे वृत्त द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर हुआ थीटा बटे 360 अंश गुणित पाई आर का वर्ग। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ। वृत्ताकार मार्ग दो संकेंद्री वृत्तों से बना होता है। यदि इन दोनों बाह्य एवं आंतरिक वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हों, तब वृत्ताकार मार्ग की चौड़ाई बराबर बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या बराबर R1 माइनस R2। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 का वर्ग माइनस पाई R2 का वर्ग बराबर पाई कोष्टक में R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग। वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई कोष्टक में R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग।